पिछले टॉपिक में हम बताए थे, ये सिविक्स का चैप्टर 1 शुरू किए थे पिछले वीडियो में, आपने देखा होगा, द नीड फॉर द लॉज एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक ना। और उसमें दो टॉपिक हम डील कर दिए थे, नीड फॉर लॉज एंड डॉरी। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके बुक में, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर। तो ये जो शब्द है ना कॉन्स्टिट्यूशन, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं, ये क्या है और कैसे ये बना है, ठीक है। स्टूडेंट आपको याद होगा पिछले वीडियो में बताए थे कि चाहे हम लोग कहीं भी रहें, कुछ भी करें, हर जगह रूल्स का आवश्यकता होता है, रूल्स के बिना कोई काम नहीं हो सकता है, ठीक है। चाहे हम गेम खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो वहाँ भी देखते हैं कितना रूल्स होता है, जब इंटरनेशनल मैच देखते हैं कितना रूल्स होता है उसमें, और सब लोग उसका पालन करता है तभी वो गेम सक्सेस हो पाता है। अगर वो रूल्स अगर उस तरह का नहीं हो और लोग फॉलो नहीं करें तो जो प्लेयर्स हैं उसमें झगड़ा हो जाएगा, किसी बात पे सहमति नहीं बनेगी। और चाहे दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम ये स्कूल में रहते हैं, स्कूल आते हैं, तो स्कूल में भी हम सर्टेन रूल्स को फॉलो करते हैं, आने का टाइम निश्चित होता है, छुट्टी का समय निश्चित होता है, सब लोग के लिए नियम है, जितने भी लोग हैं हर लोग नियम से बंधे होते हैं। तो ये तो समझ गए कि रूल्स क्यों जरूरी होता है, ठीक ना, कि रूल्स के बिना कोई भी काम, कोई भी संस्था सक्सेस नहीं हो सकता है। तो रूल्स जिस तरह से कि एक गेम को भी बिना रूल का हम नहीं खेल सकते हैं, तो क्या सोसाइटी और ये देश समाज क्या बिना रूल्स का चल सकता है? बिल्कुल नहीं चल सकता। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ऐसे ही रूल्स का जिसमें कि देश को चलाने का पूरा गाइडलाइन होता है कि कोई भी देश कैसे शासन करेगा, कैसे वो चलाएगा, तो जिसमें ये सारा गाइडलाइन रहता है जिस बुक में, उसको ही कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक ना। ए रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज कॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशन। एक रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें कि ये सारा रूल, देश को गवर्न करने का सारा रूल होता है जिसमें, उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और ए सेट ऑफ रूल्स बाय विच आवर कंट्री इज गवर्न, एक सेट ऑफ रूल्स होता है जिसके द्वारा हमारे देश का शासन चलता है, उस बुक को, उस सेट ऑफ लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। समझ गए? ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है सिर्फ हमारे देश को चलाने का गाइडलाइन नहीं देता है, बल्कि उस संविधान में जो राइट्स दिए गए हैं लोगों को, पब्लिक को जो राइट्स दिया गया है, जो अधिकार दिया गया है, उसका भी वो सेफगार्ड है, उसका भी इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो शासक है, जो जिसको हमने चुन के भेजा है, उसका लिमिट्स क्या होगा, उसका पावर क्या होगा, और जो हम लोग हैं हमारा क्या राइट्स है और हमारा क्या ड्यूटीज है, ये सारा चीज उसमें लिखा हुआ रहता है ताकि कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं हो। सो दैट वी कॉल द कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन को सोल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, लोकतंत्र की आत्मा कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहते हैं? सोल ऑफ डेमोक्रेसी। इंडिया वाज ब्रिटिश, और जब भारत का संविधान जब बनने का तैयारी हो रहा था 1946 के आसपास में, 1946 में एक इलेक्शन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का, और उसमें देश के हर भाग से लोग चुन के आए थे, और उन सब लोगों ने मिलकर जितने भी सोसाइटी थे, जितने भी लोग थे उस समय, हर जाति से, हर धर्म से एक एक पार्टिसिपेंट उसमें था, और सब ने मिलकर 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में संविधान को बनाया था, और उसमें बहुत सारी बातों को, प्रोविजंस को रखा गया था, ठीक। तो इंडिया वाज विटनेस्ड 200 इयर्स ऑफ कॉलोनियल रूल। भारत के लोग जब संविधान को बना रहे थे तो उसके मन में ये सब बात भी था, इसने 200 वर्षों की गुलामी देखी थी, इसने फ्रीडम मूवमेंट को देखा था, है ना, पार्टीशन ऑफ कंट्री, देश का विभाजन देखा था, एंड स्प्रेड ऑफ कम्युनल वायलेंस, और
कम्युनल वायलेंस जो हुआ था, दंगा वगैरह, ये सारा चीज उसने देखा था, सारा चीज इसके माइंड में था, और इस तरह से इसने संविधान को बनाया और इस तरह से लागू किया कि भविष्य में फिर इस तरह की घटनाएं नहीं हो। तो ये तो समझ गए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। और एक अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी में कि व्हाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है। ठीक है, दुनिया में जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं सब में संविधान होता है। डेमोक्रेटिक क्या है, या किसी भी शासन व्यवस्था में वो देश चलता हो, सबका संविधान है, सबका अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। चाइना जो हमारे पड़ोस का एक देश है, चाइना में भी हालांकि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है लेकिन वहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन है। उत्तर कोरिया में तानाशाह है लेकिन वहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन है। तो किसी भी देश को कॉन्स्टिट्यूशन का जरूरत क्यों पड़ता है। तो आप तो पहले ही समझ गए कि कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स होता है, और हर देश में चाहे वो किसी भी शासन व्यवस्था में चलता हो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होगा। आप ये मत समझना कि जहाँ डेमोक्रेसी है वहीं कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन हर देश में है। तो क्यों एक देश को कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता पड़ती है, तो इसमें देखेंगे कि इट लेज आउट सर्टेन आइडियाज एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ द कंट्री दैट वी सिटीजन एस्पायर टू लीड। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ आइडियाज को, कुछ विचार जो देश में रहने वाले लोगों का जैसा विचार होता है ना, जैसा चाहते हैं हम कि हमारा देश ऐसा हो, हम ये अधिकार मिले, हमको ये चीज मिले, तो जैसा हम चाहते हैं संविधान उसी तरह का उसी का एक प्रतिरूप होता है। जैसे कि भारत में हम चाहते हैं कि सब लोग समान हो तो हमारे संविधान में राइट टू इक्वलिटी डाला गया। हम लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ धर्म के नाम पर कोई विवाद नहीं हो तो यहाँ पे सेकुलरिज्म को अपनाया गया, धर्म निरपेक्षता को अपनाया गया। तो उसी तरह से जहाँ के जिस देश की जनता जो चाहते हैं कि हमको ये चीज मिलना चाहिए, ये चीज होना चाहिए, वही चीज उसके कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाई देता है। कॉन्स्टिट्यूशन अराइव कॉमन कंसेंस, कॉन्स्टिट्यूशन के वजह से सभी लोगों का कॉमनली विचार आता है, सब लोग कॉमनली अपने विचार को देते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं देश को ये जोड़ने का काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड द आइडियाज वैल्यूज एंड बिलीव्स ऑफ सिटीजन ऑफ ए कंट्री। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों के विचार, उसके मूल्य और विश्वासों को एक जगह रखता है और उसी को वो कॉन्स्टिट्यूशन में डालता है। तो किसी भी देश में कॉन्स्टिट्यूशन के बिना कोई शासन व्यवस्था नहीं चल सकता है, लोगों को अधिकार नहीं मिल सकता है, और जो लोग जैसा चाहते हैं वैसा कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए हर देश को कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम जानेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है मेजर फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे संविधान का जो मुख्य काम क्या वर्क है, उसका क्या फीचर है ना। तो इट लेज आउट सर्टेन आइडियाज एंड प्रिंसिपल दैट डिटरमाइन द स्ट्रक्चर नेचर एंड ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये डिटरमाइन करता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उनका आइडियाज क्या होगा, उसका सिद्धांत क्या होगा, वो किस तरह से काम करेंगे, उसका नेचर क्या होगा काम करने का, उसका क्या लिमिटेशन होगा, ये सारा चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है। दूसरा, इट हेल्प्स टू सर्व एज ए सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट एवरीबॉडी रिस्पेक्ट। वो इस तरह से कानून बनाया गया है संविधान में, इस तरह की बातों को रखा गया है कि सब लोग उसका माने और उसका रिस्पेक्ट करें, किसी को संविधान से कोई शिकायत नहीं हो। आवर कंट्री हैज डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपुल, डाइवर्स रिलीजन, इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड। हमारे देश में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज के रहते हैं, अलग अलग धर्म को मानने वाले रहते हैं, अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड होता है, कोई पैसा वाला होता है, कोई गरीब होता है, कल्चरल सांस्कृतिक रूप से भी सब एक समान नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए
जो रूल्स वगैरह हैं वो इसी तरह से बनाए गए हैं ताकि किसी को भी अपने अपने तरह से जीने में कोई दिक्कत नहीं हो। नेक्स्ट है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स रूल्स टू प्रिवेंट डोमिनेशन ऑफ द मेजोरिटी ऑफ अ माइनॉरिटी। हमारे देश में अलग अलग ग्रुप के लोग रहते हैं, अलग अलग धार्मिक समुदाय के रहते हैं, किसी की संख्या, किसी धर्म वालों की संख्या ज्यादा है, किसी का कम है, तो जो मेजोरिटी है वो माइनॉरिटी पर कभी डोमिनेट नहीं करे, उसको दबाए नहीं, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया है और हमारे संविधान में राइट टू इक्वलिटी को दिया गया है कि सब लोग समान होंगे। और आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द नेचर ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। हमारे देश का जो सरकार है वो उसका इलेक्शन किस तरह से होगा, वो क्या क्या उसका अधिकार कितना होगा, उसका पावर कितना होगा, हमारे देश में जो पब्लिक है उनका राइट क्या होगा, उनका ड्यूटीज क्या होगा, ये सारा चीज बहुत ही डिटेल से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है और सब लोग इसको मानते हैं और फॉलो करते हैं। और जो सुप्रीम लॉ है देश का वो कॉन्स्टिट्यूशन ही है और उसी के हिसाब से पूरा शासन चलता है। ठीक है स्टूडेंट, और अगले वीडियो में हम और जो इसका जो रेस्ट टॉपिक बच गया है उसको डील करेंगे, उसके बाद फिर आपको एक्सरसाइज बनाना होगा। ओके, थैंक यू।